नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, केम छो, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी में। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? मैं मानवेंद्र प्रताप सिंह आप लोग के लेके आ गया हूं आज का द हिंदू एनालिसिस। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। रोज की तरह सबसे पहले आज का जो हमारा सुविचार है वो देख लिया जाए। दोस्तों देखिए कितनी अच्छी बात लिखी हुई है, कभी भी किसी को ये मत बोलने का मौका दो कि आप कोई चीज नहीं कर सकते हो। आपने एक ड्रीम देखा है और उसे प्रोटेक्ट करने का हक आपके पास है, उसे प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी आपके पास है। जब तक आप अपने ड्रीम को प्राप्त ना कर लो, लोग क्या कहते हैं उसको छोड़ दो, उन्हें डिसाइड मत करने दो कि आप उस ड्रीम को प्राप्त कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। ये डिसाइड कौन करेगा? ये डिसाइड हम करेंगे कि हमें हमारी मंजिल मिलनी है कि नहीं मिलनी है। तो बस इस चीज का ध्यान रखना, लोग जो बोलते हैं, लोगों का काम है तो बोलना, बिल्कुल ध्यान नहीं देना है इन सब चीजों पे, और हमेशा मेहनत करते रहनी है, पेशेंस बना के रखना है और आप सभी को अपनी मंजिल एक दिन मिलेगी। बढ़ते हैं दोस्तों आगे हमारी आज की स्कीम की तरह। सबसे पहले देखिए आज हम एडिटोरियल डिस्कशन करेंगे, उसके बाद जो न्यूज एनालिसिस देखते हैं प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से, डेली एमसीक्यू जो हमारा रोज का होता है वो यहाँ पे कवर किया जाएगा, और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस जो हम करते हैं वो यहाँ पे देखेंगे। इसके अलावा दोस्तों लाइक और शेयर करने के लिए मैं आपको बार बार कहता हूँ, फिर से यही बोलूंगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, बेकार लगी तो डिसलाइक करिए। साथ में कमेंट करके बताइए कि यहाँ आपको क्या कमी लगी जो हमें सुधारनी है। इसके अलावा ज्यादा से ज्यादा दोस्तों शेयर करिए, अगर आपको फायदा हो रहा है इस वीडियो से तो कम से कम एक इंसान को तो आप ये वीडियो शेयर करिए, जिससे कि हम लोगों को कुछ तो बेनिफिट हो, थोड़ी मोटिवेशन मिले। बढ़ते हैं दोस्तों आगे हमारे आज के एडिटोरियल एनालिसिस की तरफ। देखिए दोस्तों सबसे पहले जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, टैकलिंग एचआईवी। देखिए दोस्तों एचआईवी एड्स के ऊपर यहाँ पे आपका आर्टिकल आया है, जो एचआईवी एड्स धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड में फैला था, और अब धीरे धीरे देखिए दोस्तों पूरे वर्ल्ड में आंकड़े कम हो रहे हैं, इससे ग्रसित लोगों के आंकड़े कम हो रहे हैं, और लोगों की जो धारणाएं थी रिगार्डिंग एचआईवी के, मतलब जो लोग ग्रसित होते थे, जो एचआईवी पॉजिटिव लोग इंसान पाए जाते थे, उनके साथ डिफरेंट जो ट्रीटमेंट होती थी पूरे वर्ल्ड में, स्पेशली आप इंडिया का एग्जांपल ले लो, तो वो सब धीरे धीरे कमी आ रही है, उसी के ऊपर यहाँ पे डिटेल में डिस्कस हुआ है। इससे पहले दोस्तों आप लोगों को बता दिया जाए कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बन चुके हैं पाकिस्तान के, ये बिल्कुल नई खबर है, लेटेस्ट न्यूज है, इसी के ऊपर आपके दो एडिटोरियल आए हुए हैं। पहला तो देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है द पाकिस्तान टेस्ट। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों जो जो क्वेश्चन, मतलब आप कह सकते हो इमरान खान के सामने है, जो जो अभी चुनौतियां इमरान खान के सामने है पाकिस्तान में, वो यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। देखिए यूपीएससी पर्सपेक्टिव हमारे लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम इसको यहां पर डिस्कस नहीं करेंगे, पर देखिए इसमें लिखा क्या हुआ मैं आपको बता देता हूं। देखिए दोस्तों आईएमएफ से काफी ज्यादा इन्होंने उधार ले रखा था पाकिस्तान ने, अभी इनको वो चुकाने की बारी है, तो वहां मामला फंसा हुआ है। चाइना से इन पे काफी ज्यादा उधार है। इसके अलावा जो टेररिज्म की जो दिक्कत है, इंडिया से रिलेशन खराब है, तो ये सब कुछ यहां पर पॉइंट है जो पाकिस्तान के सामने अभी है, इमरान खान के सामने जो है, और उनको यहां पर टैकल करना है। इसके बाद देखिए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान आपका जो दूसरा एडिटोरियल यहां पर फिर इन्हीं के ऊपर आया है, और यहां पे देखिए जो मतलब कह सकते हो इनको एज ए मतलब जो कठपुतली की तरह ये वहां पे सत्ता में आए हैं, आप सभी को पता है कि कितना यहां पे योगदान रहा था मिलिट्री का, जो इनके अपोजिशन पार्टी थी कहने के लिए कहा जा सकता है कि बिल्कुल खत्म ही कर दिया था कंपटीशन। तो यहाँ पे जो जीते हैं तो कहीं ना कहीं देखिए ये अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि क्या ये अपनी मर्जी का काम करेंगे कि अभी भी इन्फ्लुएंस रहेंगे वहां की मिलिट्री से, तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, और ये दोनों एडिटोरियल दोस्तों हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम इसको डिस्कस नहीं करने वाले हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे जो एडिटोरियल बहुत ही अच्छा एडिटोरियल, बहुत ही इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर आया है, आपसे क्वेश्चन पूछा है कि सुपर पावर और क्लाइंट नेशन, ठीक है, तो यहाँ पे हम इसके बारे में अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर देखिए दोस्तों हर फ्राइडे में जो आता है ओपिनियन बेस्ड एक आपका आर्टिकल, हैज द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट बीन वीकेंड, तो यहाँ पे देखिए लोग अलग अलग अपना ओपिनियन देते हैं, ये यहाँ पे हम देख लेंगे, डिस्कस करेंगे इसे। नीचे आ जाते हैं दोस्तों, ये दोनों चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, एक एक्ट आता है फ्राइडे के दिन, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों एयरपोर्ट इकोनॉमी रेगुलेटरी एक्ट जो आपका दोस्तों अमेंडमेंट एक्ट आया है 2018, तो यहाँ पे उसके बारे में चर्चा करी गई, जो कुछ चेंजेस लाए हैं इसके अंदर वो यहाँ पे देखा जाएगा, इसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों आगे और स्टार्ट करते हैं हमारा आज का जो पहला एडिटोरियल था, पहला आर्टिकल था टैकलिंग एचआईवी जीएस पेपर 2 से। दोस्तों इसे आप कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों आज से अगर आप कुछ साल पहले का यहाँ पे उठा लेंगे तो आप सभी लोग, एक एडवर्टीजमेंट टीवी पे बहुत चलता था कि लोग खाना खा रहे हैं, तो जहां पे एचआईवी के लोग खाना खाते थे उठ के चले जाते थे, एडवर्टीजमेंट के आपने देखा होगा, एडवर्टीजमेंट में दिखाते थे, फिर कुछ लोग वहां पे आके बैठते थे, फिर कहते थे कि एचआईवी एड्स खाने साथ खाने से नहीं फैलता है वगैरह वगैरह। तो दोस्तों ये सब जो चीजें करी जा रही थी इसके पीछे रीजन था कि जब ये नया नया एचआईवी एड्स इंडिया में आया था, और नया नहीं कह सकते हो, मतलब जब थोड़ा सा मतलब कह सकते हो कि लोगों के सामने चीज आने लगी, पहले क्या होता था कुछ संख्या में होता था लोग छुपा जाते थे, अब इतनी सारी फिर इसमें देखिए फैसिलिटीज जैसे गवर्नमेंट प्रोवाइड करने लगी, तो उतनी ये चीजें न्यूज में भी आने लगी, उतनी चीज सामने भी आने लगी। तो जब से ये सामने आने लगी तो स्टार्टिंग में दोस्तों इंडिया में अगर आप 2002 से लेके और 2010-12 तक का आप आंकड़ा देख लोगे तो काफी ज्यादा दोस्तों लोगों को बहुत ज्यादा मतलब रूढ़िवादी धारणाएं थी, जो
एचआईवी के लोग होते थे उनके साथ बहुत ज्यादा भेदभाव होता था। इवन यहां तक हो गया था कि एचआईवी के एड्स वाले लोग अगर सब्जियां बेचते थे तो उनकी सब्जी नहीं खरीदते थे। और बहुत सारी चीजें यहाँ पे ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स होते थे, कहीं जॉब करते हैं तो आप उनको बिल्कुल अलग कर दिया जाता था कि एचआईवी एड्स हमें ना हो जाए। क्योंकि देखिए बहुत जानलेवा बीमारी है, लेकिन ये बीमारी दोस्तों छूने से नहीं फैलती है, साथ खाने से नहीं फैलती है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है उसी से फैलती है, या फिर आपका ब्लड कॉन्टेक्ट में आ जाएगा तब उसी से फैलती है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों धीरे धीरे जो हमारी सोसाइटी है अब चेंज हो रही है और इसी के ऊपर आपका पूरा एडिटोरियल डिस्कशन है। तो देखिए दोस्तों यूनी एड्स जो आपका है, इन्होंने यहाँ पे एक ग्लोबल वॉर, मतलब आप कह सकते हो पूरा इन्होंने एक रिपोर्ट सबके सामने लेके आए हैं। तो इन्होंने यहाँ पे कहा है कि देखिए जितने भी एचआईवी के केसेस थे धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। तो जो मैंने आपको कहा था 2010 से 2017 तक का दोस्तों आप आंकड़ा देखोगे तो सेवरल कंट्रीज जितनी है उन्होंने काफी ज्यादा रिड्यूस किया है एचआईवी को, बहुत सारी कंट्रीज ने यहाँ पे कम किया है। इसके बाद देखिए अगर आप स्टेटस देखेंगे दोस्तों तो अब ऐसा हो गया है कि 3 out of 4 जो लोग हैं उन लोगों को पता है कि हाँ हमें एचआईवी एड्स है। पहले क्या होता था, उनको पता ही नहीं होता था कि हम एचआईवी एड्स से टैकल करने की तो बात ही दूर की बात है, पर अब कम से कम 3 out of 4 लोगों को पता है कि हाँ हमें एचआईवी एड्स है। इसके अलावा देखेंगे दोस्तों 21.7 मिलियन पीपल जो है पूरे वर्ल्ड में वो ट्रीटमेंट ले रहे हैं एचआईवी एड्स का। इसके बाद देखिए दोस्तों तो मैंने जैसा आपको बताया था कि ईस्टर्न एंड साउथर्न अफ्रीका में सबसे कम यहाँ पे, मतलब आप कह सकते हो रिडक्शन सबसे ज्यादा यहीं पे हुआ हुआ है। पहले देखिए केसेस भी यहाँ पे बहुत ज्यादा पाए जाते थे, पर जो आपका ईस्टर्न एंड साउथर्न अफ्रीका है यहाँ पे देखिए सबसे ज्यादा दोस्तों कह सकते हो आप रिडक्शन हुआ है संख्या में एचआईवी एड्स से ग्रसित लोगों के भी अंदर, मतलब उनकी काउंटिंग में। इसके अलावा अगर आप देखेंगे दोस्तों 2010 और 2017 का एक आंकड़ा देखेंगे तो जो न्यू केसेस हैं वो 27% गिरे हैं, वहीं जो डेथ टोल है वो 56% गिरी है। इंडिया की यहाँ पे बात हो रही है तो ये बहुत ही अच्छे आंकड़े हैं अपने आप में। देखिए दोस्तों यूनी एड्स जो है, जिन्होंने ये संस्था है जिन्होंने रिपोर्ट निकाली है, इसकी फुल फॉर्म है जॉइंट यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम ऑन एचआईवी एड्स। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों ये सब तो आपको पता ही होगा, एचआईवी एड्स की फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशेंसी सिंड्रोम, और ये सब चीजें तो बहुत बेसिक है, बचपन में सिखा दी जाती है हमें। तो देखिए यहाँ पे मेन जो एक कारण दोस्तों एचआईवी एड्स के लोगों की मृत्यु का था वो था इनको जो ट्यूबरक्लोसिस हो जाता था। ट्यूबरक्लोसिस अगर एचआईवी एड्स के लोगों को हो जाता था तो फिर यहाँ पे ट्रीटमेंट करना बड़ा मुश्किल हो जाता था। देखिए जो एचआईवी एड्स है ना दोस्तों बेसिकली है क्या, ये इस टाइप की बीमारी है कि आपका जो इम्यून सिस्टम है बहुत वीक कर देगी, तो आप बीमारियों से लड़ने की शक्ति आपके अंदर खत्म हो जाएगी। तो काइंड ऑफ ये ट्यूबरक्लोसिस देखिए अपने आप में बहुत खतरनाक बीमारी है, और इसका इलाज अभी इंडिया में जब एचआईवी प्लस ट्यूबरक्लोसिस वाले जो भी मामले आ जाते हैं तो आप देखेंगे दोस्तों 90% ऐसे केसेस हैं जहां पे इंडिया दोस्तों इन्हें ट्रीट नहीं कर पाती है, मतलब इन लोगों को सही नहीं कर पाती है। बाकी इस पे भी आंकड़े कम हो रहे हैं, लेकिन ऐसा मामला है कि जहां पे ट्यूबरक्लोसिस प्लस एचआईवी एड्स हो जाती है तब यहाँ पे इंडिया थोड़ी सी लैग कर जाती है। इसके बाद देखिए दोस्तों नंबर ऑफ पीपल जो पहले क्या होता था, सब्जी नहीं खरीदते थे, मैंने आपको जो बताया था कि वेजिटेबल्स नहीं खरीदते थे, तो अब उसमें भी संख्या बढ़ गई है, लोग वेजिटेबल्स खरीदने तक को तैयार है एचआईवी एड्स के लोगों के साथ। और ये देखिए आपका 13% to 27.6% के आसपास ये केम डाउन आया है, पहले 30% लोग मना करते थे अब 27.6% लोग मना करते हैं। तो ये अपने आप में अच्छा आंकड़ा है, लेकिन आप देखा जाए तो बहुत कम बढ़ा है, लेकिन जो भी है थोड़ा सा तो कम से कम चलिए घटा, इसके वजह से लोगों में कुछ तो चलिए आपके साथ जागरूकता आई। इसके बाद देखिए दोस्तों इंडिया में 2.1 मिलियन केसेस हैं जो कि वर्ल्ड में एक बहुत ही बड़ा आंकड़ा है और लार्जेस्ट आप कह सकते हो वर्ल्ड का ये आंकड़ा है किसी भी एचआईवी एड्स के रोगी ग्रसित कंट्री का। देखिए चाइना, देखिए मेन रीजन क्या है कि हमारे पॉपुलेशन भी तो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है, चाइना को ले लीजिए, चाइना फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे इंडिया है। तो चाइना में देखिए दोस्तों इतना लेवल पे ये नहीं फैला जितना इंडिया में है, तो इसलिए हमारी नंबर वन पे यहाँ पे रैंकिंग में है, ठीक है। इसके अलावा देखिए दोस्तों जो यूनी एड्स ने यहाँ पे रिपोर्ट में ये बात पॉइंट आउट करी है और बहुत ही लीगल और बहुत ही वैलिड पॉइंट है कि देखिए दोस्तों जो हमारे लॉज हैं वो भी काफी रिस्पॉन्सिबल हैं, मतलब एचआईवी एड्स के बढ़ने के पीछे। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये कैसे हैं, तो देखिए दोस्तों आप कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं यहां पे। देखिए जो लोग गे होते हैं, जो सेक्स विद अदर मैन करते हैं, या फिर जो सेक्सुअल वर्कर्स होती हैं, जैसे आप जिनको प्रोस्टिट्यूशन बोलते हैं जो वो चलता है, या फिर जो लोग ड्रग्स का सेवन करते हैं, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये चीजें सही हैं और ना यहां पे जो राइटर हैं वो ये बात कह रहे हैं, लेकिन ये प्रैक्टिस हमारी कंट्री में है। अब ये प्रैक्टिस हमारी कंट्री में है तो यहाँ पे गवर्नमेंट को, जैसे मैंने आपको एक दिन और एडिटोरियल में डिस्कस करते हुए कहा था कि जैसे ये सेक्स वर्कर वाला है जो प्रोस्टिट्यूशन है इसको भी लीगल किया जा सकता है, लीगल किया जा सकता है क्योंकि देखिए ऑलरेडी ये सब चीजें हो रही हैं और बहुत सारे लोग इसमें स्वीकृति से आते हैं, जबरदस्ती लेके नहीं आता है, मजबूरी में आते हैं नो डाउट, लेकिन वो जो कर रही है महिलाएं या फिर जो पुरुष ये काम कर रहे हैं तो वो अपनी मर्जी से कर रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पे इन पर रोक लगा रहे हो तब भी ये चीजें तो हो रही हैं,
तो इसको आप लीगलाइज कर दोगे तो इसमें फायदा दोस्तों क्या होने वाला है, अब हमको यहाँ पे ये समझने की कोशिश करना है। देखिए दोस्तों, जैसे कि इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट क्रिमिनलाइज कर देता है सेक्सुअल वर्कर को, प्रोस्टिट्यूशन को, तो यहाँ पे एग्जाम्पल के माध्यम समझते हैं। तो अब क्या होता है दोस्तों कि अगर कोई सेक्स वर्कर है और कोई इंसान अगर किसी सेक्स वर्कर के साथ सेक्स करना चाहता है तो वो बिल्कुल डरेगा, वो अंदर ही अंदर मतलब कमरे में जाएगा या फिर कहीं भी जैसे उनका जो भी लोकेशन होगा वहां पे जाके करके आ जाएगा। पर अगर ये चीज लीगल हो जाएगी तो कम से कम जो इंसान वहां पे सेक्स करने जाएगा वो यहाँ पे टेस्ट भी तो करवा सकता है उस महिला का, या फिर अपना भी तो टेस्ट करवा सकता है कि कहीं एचआईवी एड्स है कि नहीं है। अब ये टैबू बना हुआ है समाज में, डर बना हुआ है कि पुलिस पकड़ लेगी, ये कर लेगी, तो लोग जल्दी जल्दी में ऐसा कराते हैं, फिर बाद में रिग्रेट होगा, बाद में जब एचआईवी एड्स होगा तो फैल जाएगा। लेकिन ये चीज लीगली होगी तो फिर यहाँ पे लोग कम से कम जागरूक रहेंगे, वो सब चीज की टेस्ट करवा सकेंगे। तो यहाँ पे राइटर ने बहुत ही अच्छा पॉइंट वैलिड किया है कि जितने कठोर नियम हमारे अंदर हैं, जो सोसाइटी में प्रैक्टिस है और जो बहुत सारे कंट्रीज में लीगलाइज किए हों, जैसे गे का भी ले लीजिए आप, तो गे में भी सेम चीज है। अगर बाइसेक्सुअल 377 जो चल रहा है, ऑल द सुप्रीम कोर्ट इसे खत्म करने वाली ही है, लेकिन जो 377 का अपना पूरा मामला है, अब यहाँ पे कोई गे सामने आ जाएगा कि मैंने एक लड़की के साथ सेक्स किया है, कोई हॉस्पिटल में जाके पूछेगा कि एचआईवी एड्स का टेस्ट कर लो, मुझे इसके साथ सेक्स करना है, अगर किसी ने सुन लिया तो 377 के अंदर उसको जेल हो जाएगी, तो वो क्यों करेगा ऐसा। तो ये सब देखिए, इन्हीं सब रीजंस की वजह से भी काफी ज्यादा मामला आप कह सकते हो फैलने के पीछे रीजन है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यूनी एड्स का जो आपका रिपोर्ट आई है 2017 वाली, इसमें कहा गया कि 41% इंडिया में ऐसे लोग हैं जिनको सेक्स करते हैं दूसरे लोगों के साथ, ठीक है, ऐसे मतलब जितने भी लड़के हैं उसमें से ऐसे लड़के 41% हैं जो किसी लड़के के साथ सेक्स करते हैं। अब उन 41% में दोस्तों 52% ऐसे हैं जिन्हें अपना स्टेटस पता है ट्रीटमेंट कराने का, कि हाँ 52% उसमें से ग्रसित हैं जिन्हें एचआईवी एड्स है। अब 52% में से भी दोस्तों ऐसे हैं जिसमें से 83% ने अपना वायरल लेवल को सप्रेस कर लिया है, तो ये आपके लिए अच्छे आंकड़े आए हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट देखिए अलग अलग पॉलिसी चला सकती थी, कर्नाटका में हुआ था 2002 कर्नाटका में दोस्तों हुआ था 2004 से 2011 के बीच में, जितनी भी फीमेल सेक्स वर्कर थी उनको वहां पे टीच किया गया था, उनको यहाँ पे काफी ज्यादा बताया गया था रिगार्डिंग आपका एचआईवी एड्स, कि कॉन्डोम का यूज करें वगैरह वगैरह, जैसे ये सब पहले अभी भी गवर्नमेंट काफी ज्यादा प्रमोशन करती है, आप सभी देखते ही होंगे, तो ये सब बहुत जरूरी है। और इस टाइप की कुछ स्कीम निकालनी चाहिए गवर्नमेंट को समय समय पर, और इस पे ध्यान देना चाहिए। जो चीज अभी देखिए 377 का आ रहा है, बहुत ही अच्छा जजमेंट आने वाला है और बिल्कुल ये हो जाएगा तो बहुत ही अच्छी बात है। लगभग लगभग मतलब बिल्कुल हो ही चुका है कि 377 को हटा दिया जाएगा और जो आपकी गे सेक्स एलजीबीटी राइट सारे के सारे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो सेम देखिए, कुछ आज नहीं तो कल देखिए प्रोस्टिट्यूशन का मामला भी सुप्रीम कोर्ट में जाने वाला है, मानिए कि चाहे ना मानिए, और ये सोसाइटी के ऊपर है कि हम उसको किस हिसाब से लेने वाले हैं, क्या सोचने वाले हैं। कुछ पॉजिटिव भी होते हैं, कुछ नेगेटिव भी होते हैं, लेकिन जो प्रैक्टिसेस चल रही हैं उसको फिर लीगलाइज करने में ही फायदा है। कम से कम जो महिलाएं आज की डेट में इस प्रैक्टिसेस में हैं वो सेफ रहेंगी, इसके अलावा जो पूरा पैसा है वो इन्हीं को मिलेगा, अभी इनके बीच में इतने सारे मीडिएटर्स होते हैं, पुलिस होते हैं, उनको मिलता है, तो इनकी बेचारी हैं जो कष्ट भी सहती हैं उसके बाद इन्हें हैं, तो अपने आप में बहुत ही गलत बात है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यूनियर्स ने कहा है कि हेल्थ इज यूनिवर्सल राइट, तो सभी लोगों को यहाँ पे हेल्थ का ध्यान देना चाहिए, और राइट टू हेल्थ तो हम सभी को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से भी मिला हुआ है। तो बस अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को यहाँ पे देखिए कोशिश कर रहे हैं इसी तरीके से लगे रहें, और एचआईवी एड्स को पूरे इंडिया से खत्म करना है। इसके बाद देखिए दोस्तों, हमारा जो दूसरा आज का आर्टिकल है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर पावर और क्लाइंट नेशन, जीएस पेपर 3 से, जिसे आप कनेक्ट कर सकते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्वेश्चन लोग इथिक्स से भी कनेक्ट करके पूछ लेते हैं, तब वो आपका जीएस पेपर 4 में हो जाएगा। आज मैंने आपको आंसर राइटिंग में जो क्वेश्चन दिया है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ही दिया है और वो इथिक्स से कनेक्ट करके दिया है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन की क्या लिखा हुआ है उसके हिसाब से समझना है। बाकी देखिए पेपर में ये तो आपको पता नहीं करना होता कि कौन से जीएस का है, वो तो आपको वहां जाके पड़ जाता है, लेकिन आपको समझने के लिए बता रहा हूं कि क्वेश्चन को देख के तुरंत मत समझ लेना कि हाँ बस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी जीएस पेपर 3। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दोस्तों इथिक्स में भी आता है, और ये आपके मैंने मतलब लास्ट में क्वेश्चन जो आज दिया है वो इथिक्स वाला ही दिया है, तो जीएस पेपर 4 हो जाता है आपका इथिक्स, ठीक है। लिखा किसने तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अब इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है। तो देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दोस्तों यहाँ पे सिर्फ टेक्नोलॉजी को नहीं कहते हैं कि आप लोग सोच रहे हो कि जो सॉफ्टवेयर बनते हैं ये बनते हैं, नहीं, जैसे कोई मशीन है दोस्तों, अभी आप मान लो कि एक मशीन बना दी गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कि जितने भी बच्चे स्टूडेंट हैं वो लोग वहां पे जाके अपना नाम डालेंगे, पता डालेंगे, और उन सभी को रोज न्यूज़पेपर अपने आप मिल जाएगा, जो भी न्यूज़पेपर वो पढ़ते हैं वो उन्हें अपने आप आ जाएगा, उन्हें कुछ भी नहीं करना होगा, उनके मोबाइल में अपने आप सेंड हो जाएगा, ठीक है।
अब ये क्या है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यहाँ पे मतलब नहीं हुआ कि टेक्नोलॉजी जो यूज हुई है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, सिर्फ वो नहीं है दोस्तों। उसके अलावा टेक्नोलॉजी तो चलिए आती ही आती है, पर ये जो डाटा कलेक्ट है, ये देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दोस्तों डाटा पे वर्क करता है। अब देखिए आपने अपना इनपुट दिया, आपने अपना इनपुट दिया, बहुत सारे लोगों ने अपना इनपुट दिया, तो अब इस इंटेलिजेंस जो यहाँ पे क्लाउड बन रहा है, इसको पता पड़ जा रहा है कि जो एक्स नाम का लड़का है उसे कौन सा न्यूज़पेपर पसंद है, जो वाई नाम का लड़का है उसे कौन सा न्यूज़पेपर पसंद है, तो जेड नाम का लड़का है उसे कौन सा न्यूज़पेपर पसंद है। सेम एग्जाम्पल दोस्तों आप ले लो फेसबुक का, ठीक है। अभी आप सभी ने मामला सुना होगा कि फेसबुक से बहुत सारे डाटा लीक हुए थे, और जो इलेक्शंस में कांग्रेस भी उनकी पार्टी थी, विकीलीक्स वाला पूरा मैटर था, बहुत सारे लोगों को आप में से पता होगा, जिन्हें नहीं पता है उस बारे में पढ़ लेना ना, मैं सिंपल आपको समझाता हूँ। फेसबुक पे आप देखिए सारे डाटा भरते हैं अपने कि मेरा नाम ये है, मैं यहाँ रहता हूँ, मुझे ये चीजें पसंद है, आप लाइक कर देते हैं, आप उन पेजों को डिसलाइक कर देते हैं। तो फेसबुक दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरह आपके सारे डाटा को फीड कर रहा है, और उसके दिमाग में सब इंसान की एक एक प्रोफाइल बनी हुई है। जैसे कि मेरा नाम मानवेंद्र है, तो मेरे नाम की पूरी प्रोफाइल बनी हुई है कि मानवेंद्र के क्या क्या चीजें पसंद हैं, मानवेंद्र को क्या क्या चीजें पसंद नहीं है, और फेसबुक के पास मेरे सारे डाटा हैं, ठीक है। इसीलिए देखिए दोस्तों जो बहुत आज भी सिक्योरिटी वाले जो लोग होते हैं वो फेसबुक पे आना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि देखिए दोस्तों जो फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, ये लोग अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। तो यही यहाँ पे कॉन्सेप्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। अब आ जाते हैं दोस्तों हमारे एडिटोरियल की तरफ। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों जो गूगल के सीईओ हैं उनका ऐसा कहना है कि फायर इलेक्ट्रिसिटी है। फायर इलेक्ट्रिसिटी का दोस्तों मतलब क्या है, देखिए दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे जीवन के। अगर हमारे पास आग नहीं होगी तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हमारे बिजली नहीं होगी तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो उसी तरीके से इन्होंने यहाँ पे कह दिया कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो फायर एंड इलेक्ट्रिसिटी है। वहीं पे दोस्तों स्टीफन हॉकिंग जो जीत है, आपने इनका नाम सुना होगा, बहुत ही बड़ा नाम इन है, बहुत ही बड़े साइंटिस्ट हैं। तो इन्होंने दोस्तों कहा था कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है कुड एंड ह्यूमैनिटी। तो ये देखिए बात जो कही थी ये इस एडिटोरियल में इतना रिलेवेंट नहीं है, ज्यादा इस बारे में डिस्कस नहीं किया हुआ, वरना एक टॉपिक यहाँ पे ये भी आ जाता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अच्छी है कि नहीं है, क्योंकि देखिए इसका जो नुकसान होता है वो भी बहुत ज्यादा हो जाता है। तो स्टीफन हॉकिंग जी ने दोस्तों जो कहा था कि ह्यूमैनिटी को खत्म कर देगी, इसके पीछे रीजन ये था कि दोस्तों अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस धीरे धीरे आती जाएगी तो फिर इंसानों का काम कम होता जाएगा। अब इंसानों का काम कम होता जाएगा तो फिर आप लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी, जॉब नहीं मिलेगी, आप लोग जॉबलेस हो जाएंगे। तो ये यहाँ पे इनका अपना पर्सपेक्टिव था। और इसके बाद देखिए दोस्तों ऐसा नहीं कि उनको पसंद नहीं थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तारीफ भी करी थी, लेकिन उन्होंने उसके नेगेटिव में एक पॉइंट बोला था। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों जो एडिटोरियल में राइटर है वो लिखते हैं कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पहले होता था। अब यहाँ पे देखिए आपका पहले जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन था सिर्फ मशीन्स बनाने में होता था, इन सब में होता था, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हो रहा है। अब बहुत ही तेजी से बड़ी बड़ी कंट्रीज इसमें रुचि दिखा रहे हैं, बहुत ज्यादा इसमें आप कह सकते हो रिसर्च कर रहे हैं, इसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, सेंट्रलाइज एंड मोनोपलाइज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, और सभी मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट हो चुका है किसी भी कंट्री के लिए, एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव हो चुका है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यहाँ पे देखिए दोस्तों आज की डेट में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो मेन जो पावर है ना, सिर्फ दो ही बेसिकली कंट्री हैं, वो है यूएस और दूसरा है चाइना। इन दोनों के अलावा शायद ही कोई कंट्री ऐसी है जिसने बहुत ज्यादा आप कह सकते हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर अपना बहुत ज्यादा मतलब रिसर्च करके बहुत ज्यादा नाम कमा रखा है। अब यहाँ पे देखिए यूएस चाइना को क्यों कहा जा रहा है कि अब देखो फेसबुक हो गई, ट्विटर हो गई, बड़ी बड़ी कंपनियां ले लो, गूगल ले लो, माइक्रोसॉफ्ट ले लो, सब आपकी यूएस की है, एप्पल ले लो। चाइना में देखो दोस्तों तो अलादीन हो गई, अलीबाबा हो गई, बहुत सारी कंपनी चाइनीज की भी ऐसी हैं जो बहुत ही वर्ल्ड में फेमस है। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रिएट कर रखी है। अब आप इंडिया का एग्जांपल ले लो तो इंडिया में हम कहाँ पे हैं, हम कहीं भी नहीं है, वी आर एट नोवेयर, हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कुछ भी नहीं किया है। अब इसके बारे में भी देखिए अभी आप में से बहुत लोग कहेंगे कि अभी कुछ दिन पहले मिनिस्ट्री ने फलाना ऐप लॉन्च करी थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, अभी नीति आयोग ने कहा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके किसानों की रक्षा करी जाएगी, किसानों को हेल्प करी जाएगी, तो वो सब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कर रहे हैं। तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि आखिर में वो मैं काउंट क्यों नहीं कर रहा हूं, वो इस एडिटोरियल में हमने काउंट क्यों नहीं करी है। इसके अलावा देखो दोस्तों जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो लेबोरेटरीज में नहीं बनती है। देखो ये मत सोचना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या हो, देखो हमें मैंने बताया आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दोस्तों ऐसी चीज नहीं है कि इसको मैन्युफैक्चर कर दिया इंडस्ट्री के अंदर और लाके रख दी, नहीं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दोस्तों जो हमारे जितने भी लोग हैं जो काम करते हैं उनकी मेहनत का एक नतीजा आएगा। देखिए मैंने आपको बताया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली है क्या, सम ऑफ डाटा, कलेक्शन ऑफ डाटा, एक क्लाउड है जहां बहुत सारे डाटाज हैं, बहुत सारे लोगों के डाटा रहेंगे। जैसे आप एक रोबोट ले लो यार, रोबोट में अगर जब तक डाटा फीड नहीं होगा ना तो वो कैसे काम करेगा। जैसे कि आप सोचो आप एप्पल का फोन है आपके पास, आप उसमें बोलते हो हे सीरी हाउ आर यू, तो वो बोलती है शी इज फाइन आई एम फाइन, तो क्या है,
वो आपको क्या लगता है वो कुछ दिमाग है उसके अंदर जो सोच के जवाब दे रही है? नहीं, उसके अंदर एप्पल ने डाटा फीड कर रखा है कि जब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको ये जवाब देना है। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो ये सब दोस्तों कैसे होता है कि ज्यादा से ज्यादा जब क्वेश्चन कलेक्ट होते हैं, एप्पल ने पहले रिसर्च करी होगी कि ज्यादा क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं, उसके उन्होंने आंसर फीड करे होंगे, तो ये सब यहाँ पे दोस्तों होता है। फिर अलग अलग एक्सेंट डाले होंगे जिससे कि उसको रिकग्नाइज कर सके। तो मीन जो दोस्तों जो डिपेंड होता है वो डाटा सिस्टम पे होता है, कितने डाटा आपकी कंट्री में फिल कर रहे हैं लोग, कितने डाटा लोगों के पास है अपने कंट्री के लोगों के बारे में। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यूएस का एग्जांपल ले लो तो गूगल, अमेजॉन, फेसबुक, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट। चाइना का ले लो तो बायदू, अलीबाबा, टिनसेंट। तो दोस्तों अलीबाबा बहुत ही बड़ा आप कह सकते हो फ्लिपकार्ट टाइप की कंपनी है, मार्केटिंग कंपनी है। बायदू, टेंसेंट दोस्तों व्हाट्सएप और इस टाइप की कंपनी हो गई आपकी, तो काफी बड़ा नाम है। अब यहाँ पर राइटर बोलते हैं कि इंडिया में कैसे आ सकता है, तो इंडिया में यहाँ पे इन्होंने कहा है कि पॉसिबल अगर है तो ऐसा ही है कि जो फॉरेन कंपनीज इंडिया में आके कुछ इन्वेस्ट करेंगी, जैसे फ्लिपकार्ट को वॉलमार्ट ने खरीद लिया, तो इस टाइप का कुछ होगा तब इंडिया में आ पाएगा। इसके बाद मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा ही दिया कि वॉलमार्ट हो गया, अमेजॉन हो गया, तो ये लोग कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करते हैं। अब आप अमेजॉन पे दोस्तों शॉपिंग करने जाते हो तो आप देखते होगे कि जब आप अमेजॉन पे कोई भी चीज देखते हो ऑनलाइन जो शॉपिंग करने के लिए, उसके बाद थोड़ी देर बाद आप गूगल पे कुछ भी सर्च करते हो तो आपको साइड में आने लग जाता है वही वाला एड जो आपने वहां पे देखा हुआ है। तो क्या ये गूगल वहां पे कोई इंसान बैठा हुआ है क्या जो आपको ये देख रहा है कि आप क्या कर रहे हो, फिर आपके यहाँ पे शो कर रहा है? तो पूरी दुनिया में कितने लोग होंगे? ये सब दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन्होंने डाटा फीड कर रखा है, उसी हिसाब से यहाँ पे सब शो होने लग जाता है। तो यही सब बातें हैं दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। रशियन प्रेसिडेंट जो है व्लादिमीर पुतिन जी, उन्होंने कहा है कि फ्यूचर में जिसके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबसे सही होगी वही रूल करने वाला है वर्ल्ड के ऊपर। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो मैंने आपको कहा था कि हमारे इंडिया में नीति आयोग वगैरह और जितनी भी हमारे गवर्नमेंट की सिस्टम्स हैं जो कहते हैं कि हमने यूज किया हुआ है, तो बिल्कुल यहाँ पे यूज हो रहा है, बिल्कुल नो डाउट। लेकिन हम जो प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं दोस्तों, किसका कर रहे हैं? हम गूगल का कर रहे हैं, हम माइक्रोसॉफ्ट का कर रहे हैं, तो यहाँ पे हो क्या रहा है? हम तो इन्हीं को ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल ले लो, हम अगर यहाँ पे दोस्तों कुछ भी कर रहे हैं गूगल का यूज करके करेंगे, तो इन दी एंड तो बड़ा वाला क्लाउड तो गूगल का है ना, तो सारा का सारा डाटा गूगल पे जा रहा है, तो हम तो इनके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को और स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। आप एक बात मानिए कि गांव में रीच नहीं है थी गूगल की, ठीक है, पर यहाँ पे गवर्नमेंट गई सर्वे करने, उन्होंने यहाँ पे गांव में भी डाटा भर लिया, अब उन्होंने अपनी इस मशीन के अंदर भरा जो कि काम करती है गूगल से। मैं आपको बिल्कुल लेमैन के लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, तब हो क्या रहा है? गूगल के पास इसका भी डाटा आ गया, तो हम तो गूगल को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, हम हमारा क्या कर रहे हैं? तो हमें हमारा भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए इंजन बनाना होगा, वरना अभी तो जो हम इंजन काम कर रहे हैं गूगल का हो गया, माइक्रोसॉफ्ट का हो गया, कुछ और इस टाइप के हो गए, याहू का हो गया। तो इंडिया को यहाँ पे अपने लिए भी काम करना होगा और बिकम ए क्लाइंट कंट्री के जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ओन कंट्री यहाँ पे बनना होगा। अभी हम दूसरों पे डिपेंड हैं, पर हमें खुद का अपना बनाना होगा। और दोस्तों देखिए, सबसे बड़ी बात है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैंने आपको बताया कि ज्यादा से ज्यादा डाटा आपके पास होगा तो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाने में बिल्कुल सक्षम हो। और इंडिया दोस्तों अगर आप देखोगे तो कहीं पे भी कमी नहीं है, हमारे पास अच्छी खासी जनता है, हमारे पास बहुत लोग इंटेलिजेंट हैं, हमारे पास सारे डाटा इकट्ठा करने के जुगाड़ हैं, सब सिस्टम है, बस अब यहाँ पे प्रॉपर वर्क करना है। और इंडिया के पास दोस्तों देखिए, इतना आसान काम नहीं है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रिएट करना। आज की डेट में अगर आप वर्ल्ड में देखोगे तो बहुत ही कम कंट्रीज ऐसी हैं जिन पे हम दाव लगा सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो क्रिएट कर सकते हैं, पर उन कंट्रीज में से इंडिया भी एक है जिन पे दाव लग सकता है। तो यहाँ पे देखिए टाइम है, लेकिन बस टाइम बहुत तेजी से भाग रहा है, अगर पीछे रह जाएंगे दूसरे कंट्रीज आगे निकल जाएंगे तो ये अपने आप में एक बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो बस यही दोस्तों आपका इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर जो भी लिखा था मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया है। इसके बाद देखिए दोस्तों, जो हमारा अगला आज आर्टिकल है वो हैज द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट बीन वीकेंड। तो देखिए राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में कुछ चेंजेस आए, मैंने आपको कल भी बताया था, हम बहुत दिन से डिस्कस कर रहे हैं, रोजाना इस बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि जो कमीशन थी, जो कमिश्नर थे और वगैरह वगैरह की जो रिटायरमेंट की आप कह सकते हो एज और ये सब गवर्नमेंट ने खुद के कंट्रोल में ले ली है, जिसका नेगेटिव इफेक्ट ये पड़ सकता है कि अब जो एम्प्लॉयज होंगी वो गवर्नमेंट की सुनेंगे। वरना पहले क्या होता था कि 65 इयर्स में आपको रिटायर होना होता था या फिर आपके जो 5 साल की टर्म पूरी हो जाती थी। अब यहाँ पे देखिए, इनको डर लगा रहेगा कि यार मुझे गवर्नमेंट ने हटा दिया तो मैं क्या करूंगा, तो अब इनको इनके अंडर में रहना पड़ सकता है। तो ये यहाँ पे इसके कारण में काफी ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट हुई है। तो इस पर्टिकुलर आर्टिकल में दोस्तों तीन लोगों ने अपने अपने ओपिनियन दिए हैं कि ये आर्टिकल जो है, ये जो एक्ट आया है ये सही है, जो अमेंडमेंट एक्ट आया है सही है कि नहीं है। तो देखिए दोस्तों, पहले जो इंसान है इन्होंने बोला यस, द अमेंडमेंट बीइंग प्रपोज विल स्ट्रिक्टली वीकेंड एंड नलीफाई द एंटायर एक्ट। तो देखिए इनका नाम है निखिल देव जी, कौन है, क्या है, आप इनके बारे में पढ़ सकते हैं। इनका दोस्तों यहाँ पे जो कहना था, इनका कहना था कि देखिए जो आरटीआई एक्ट है इसका मेन काम था कि लोगों को सही नॉलेज पहुंचाना, लोगों तक सारी खबर पहुंचाना, ठीक है। अब यहाँ पे जब इनके जो कमिश्नर होंगे वही डर जाएंगे, वही गवर्नमेंट से दब के काम करेंगे, और बेसिकली जो आरटीआई डलती है गवर्नमेंट के अगेंस्ट में ही डलती है, तो फिर यहाँ पे लोगों तक सही जवाब पहुंचाएगा कौन? तो ये यहाँ पे पूरे सिस्टम को वीक कर देगा। तो इनका ऐसा मानना है कि जो पूरा का पूरा प्रोसेस ही है आरटीआई का वही खराब हो जाएगा। फिर सेकंड नंबर पे आते हैं दोस्तों, तो जो हमारे भूपेंद्र यादव जी हैं इन्होंने ऐसा बोला है
बीजेपी मेंबर ऑफ द राज्यसभा, इनका ऐसा कहना है कि ये जो एक्ट है ये बिल्कुल बदलाव और बिल्कुल दिक्कत नहीं करेगा। रीजन इन्होंने ये दिया कि दोस्तों जो इस एक्ट का काम था बेसिकली वो ये था कि लोगों को जवाब मिले, आरटीआई डालें लोग और उनको यहाँ पे इसका जवाब मिल जाए। तो वो प्रोसेस अभी भी गवर्नमेंट ने सेम रखी है, इसमें तो कोई छेड़छाड़ी करी नहीं है, प्रोसेस तो वही है, तो फिर यहाँ पे इस एक्ट के से दिक्कत क्या है, तो इनका ऐसा मानना है। फिर आ जाते हैं दोस्तों जो थर्ड नंबर पे हैं आपके, इनका नाम है बिमल जुल्का जी। तो इन्होंने बोला दोस्तों इट्स कॉम्प्लिकेटेड, इन्होंने दोस्तों यहाँ पे बोला है कि ठीक है ये सब चीजें तो, पर मेन जहाँ पे लैक रह जा रहा है वो इंप्लीमेंट में रह जा रहा है। इनका दोस्तों यहाँ पे कहना था कि देखिए आरटीआई एक्ट तो आपका बहुत पहले से आ चुका है, लेकिन मैंने आपको उस दिन भी दोस्तों एक आंकड़ा बताया था, मेरी एक आरटीआई की वीडियो आई हुई है, आप लोग वो देख लीजिएगा जिनको आरटीआई अभी क्लियर नहीं हुआ है, मैंने अपने यूपीएससी की प्लेलिस्ट आप हमारे चैनल पे खुलेगा उसमें मैंने आरटीआई पे स्पेशल एक वीडियो बनाई थी। तो दोस्तों उसमें एक आंकड़ा था कि 37% आपका जो रूरल एरिया है वहां पे लोगों को आरटीआई के बारे में पता है, और जो आपका 33% मैंने उल्टा बोल दिया 37% अर्बन एरिया में पता है, 33% रूरल एरिया में लोगों को बस पता है, इसके अलावा लोग जानते तक नहीं है। तो इन्होंने यहाँ पे बोला दोस्तों कि यार ये एक्ट वैक्ट का तो चलिए जो है वो है, लेकिन लोगों को अभी तक पॉलिसी के बारे में पता ही नहीं है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड लेवल पे सही तरीके से नहीं है और वो ज्यादा जरूरी है, और उसी के बाद यहाँ पे आरटीआई का जो मेन पर्पस है वो फुलफिल हो पाएगा। तो दोस्तों ये था आपका पर्टिकुलर आर्टिकल। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों नीचे जो मैंने आपको बताया था कि एक एक्ट आता है फ्राइडे के दिन, न्यू मॉडल्स फॉर एयरपोर्ट मैनेजमेंट। तो दोस्तों तो ये जो एक्ट आया है ये तो चलिए बाद में डिस्कस करेंगे, पहले यहाँ पे देखिए आंकड़ा लिखा हुआ है नंबर ऑफ मेजर एयरपोर्ट जो इंक्रीज हुए हैं 12 to 27 हुए हैं 2007 से 2017 के बीच में। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों जो आपकी अथॉरिटी है एयरपोर्ट इकोनॉमी रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो इसका बेसिकली काम क्या है, पहले तो आप एक्ट को छोड़िए, ये जो आपकी अथॉरिटी दोस्तों इसका काम होता था जो एयरपोर्ट है इसको मैनेज करना, और इसमें जितने भी आपके नॉटिकल सर्विसेज हैं, अब नॉटिकल सर्विसेज क्या होती है, जो रेगुलेट टैरिफ होते हैं ये सब क्या है, तो दोस्तों जैसे कि वहां पे देखिए जितने सारे सर्विस प्रोवाइड होती है, जैसे सर्विस ऑफ लैंडिंग, हाउसिंग, पार्किंग, बहुत सारे ग्राउंड सेफ्टी, फ्यूल हैंडलिंग सर्विस, जैसे आप एयरपोर्ट में चले गए तो वहां पे देखिए हर जगह जगह पे स्टाफ होता है, उसमें जो आपका प्लेन होता है उसमें तेल डालना होता है, उसमें लोगों का सामान उतारना होता है, चढ़ाना होता है, बहुत सारे काम होते हैं। तो ये सब जो काम रेगुलेट करती थी वो पहले आपका जो 2008 का एक्ट था ये सारा का सारा इनके अंडर में था, एयरपोर्ट इकोनॉमी रेगुलेटरी अथॉरिटी के आपके अंडर में था। पर अब धीरे धीरे दोस्तों संख्या बढ़ रही है, लोग एयरपोर्ट से ट्रेवल करना स्टार्ट ज्यादा कर चुके हैं क्योंकि प्राइजेस कम हो चुके हैं कंपेयर टू पहले। पहले दोस्तों एयरपोर्ट के प्राइजेस बहुत ज्यादा होते थे, फ्लाइट्स के प्राइजेस बहुत ज्यादा होते थे, पर जब से बहुत सारी कंपनीज आ गई हैं तो प्राइजेस भी थोड़े से कम हो चुके हैं। अगर आप 1.5-2 महीने पहले टिकट करा लेते हैं तो आपका ट्रेन का और एयरपोर्ट के पैसे में ज्यादा अंतर नहीं आता है। तो ये सब देखिए जो इतनी सारी चेंजेस आए हैं उसके वजह से अब भीड़ बहुत ज्यादा हो चुकी है। तो अब ये जो आपका नया एक्ट आया है प्रपोज्ड अमेंडमेंट बिल इन 2018 एयरपोर्ट इकोनॉमी रेगुलेटरी अथॉरिटी, तो बहुत सारा प्रेशर था देखिए जो मैंने आपको बताया कि इतने सारे काम कैसे करें, क्या क्या किया जाए। तो इन्होंने फिर यहाँ पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का दोस्तों कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। ये देखिए काफी नरेंद्र मोदी जी के समय में तो काफी ज्यादा ये मतलब रहा है, वो नरेंद्र मोदी जी हमेशा से इसके सपोर्टर रहे हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के। तो यहाँ पे देखिए जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इस एक्ट के अंदर पर्टिकुलरली आई है, अब इसमें दोस्तों क्या होगा कि जैसे आपने सुना होगा गांवों में टेंडर डालते हैं या फिर ऑफिसेज में टेंडर डालते हैं कि जिसने सबसे कम रुपए डाला उसको पर्टिकुलर काम का यहाँ पे ठेका मिल जाएगा, तो सेम यहाँ पे ये हुआ है, बस थोड़ा सा टेक्नोलॉजी यहाँ पे आप स्टैंडर्ड यूज हुई है, टैरिफ और मॉनिटर सर्विस स्टैंडर्ड ऑफ मेजर एयरपोर्ट, ये सब जितने भी काम होंगे यहाँ पे आपकी बिडिंग लगेगी और बिडिंग में जिसका लोवेस्ट टैरिफ होगा उसको यहाँ पे वो मिल जाएगा। तो इसमें सबसे बेटर क्या होगा कि मार्केट खुद डिसाइड करेगा कितने चार्जेस हैं। देखो यहाँ पे इन्होंने बिडिंग स्टार्ट कर दी 10 रुपए से, आप एग्जांपल ले रहा हूं मैं, तो लोग यहाँ पे 20, 30, 50, 60, 70 जितने पे भी ले जाएंगे तब मार्केट यहाँ पे डिसाइड कर रहा है कि क्या रेट है इसकी, ना कि एयरपोर्ट अथॉरिटी इसकी रेट डिसाइड कर रही है। अब देखिए दोस्तों जैसा मैंने आपसे कहा कि अब संख्या बढ़ गई है लोगों की ट्रैवल करने की, तो इसमें एक डेफिनेशन चेंज करी गई है। पहले क्या होता था, मेजर एयरपोर्ट जो आपका होता था, मेजर एयरपोर्ट जो आपके होते थे वो 3.5 मिलियन नहीं होते थे, वो 1.5 मिलियन होते थे, उनको यहाँ पे मेजर एयरपोर्ट कह दिया जाता था। पर अभी इस एक्ट के अंदर दोस्तों कर दिया गया कि 3.5 मिलियन जहां पे लोग ट्रैवल करेंगे वही मेजर एयरपोर्ट कहलाएगा। तो समय के साथ तो देखिए संख्या तो बढ़नी ही है, इसमें नो डाउट। इसके बाद देखिए जो आपका जो एरा बिल है, इसमें सेक्शन 13 के अंदर बेसिकली सबसे ज्यादा चेंजेस किया गया है, 2008 का जो एक्ट है इसका सेक्शन 13। अब यहाँ पे देखिए सेक्शन 13 में प्रोविजन, अम्ब्रेला प्रोविजन कह दिया गया है इसे, और वही सब बातें लिखी जितनी भी सर्विस प्रोवाइड होंगी और वगैरह वगैरह चीजें होंगी, तो ये सब इसके अंडर में कवर हो जाएगा। जो आपका ये ठेका डलेगा, जिसको मैंने हिंदी में आपको ठेका बोल रहा हूँ, सरल लैंग्वेज में ठेका बोल रहा हूँ ना, यहाँ पे जिसके लिए बिडिंग होगी, जिसका यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, तो ये सब इसके अंदर में आ जाएगा। चलिए दोस्तों फिर बढ़ते हैं हमारे आगे और हमारा न्यूज एनालिसिस स्टार्ट करते हैं, द हिंदू का न्यूज एनालिसिस। यहाँ पे दोस्तों जो भी हम न्यूज डिस्कस करते हैं उसे प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होते हैं वही यहाँ पे देखते हैं, इसके अलावा हमारे कोई भी न्यूज यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करते हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल सटाक और बिल्कुल सटीक न्यूज आपको मिलेगी और उतनी ही आपको मिलेगी जितना आपको जरूरत है, उससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, फालतू में टाइम वेस्ट ना किया करिए। जहां मैं आपको बोलूं कि हाँ इस पर्टिकुलर आर्टिकल को आज
रेफर कर लेना, देख लेना, तो जाके आप न्यूज़पेपर में इसे देखिएगा, ठीक है। तो पहली दोस्तों आपकी जो न्यूज है वो इमरान फॉर टॉक्स टू सॉल्व कोर इश्यूज ऑफ कश्मीर। तो देखिए अब यहाँ पे आपसे ये क्वेश्चन कोई नहीं पूछता कि प्राइम मिनिस्टर कौन बन गया है पाकिस्तान का, तो देखिए इसलिए मैंने वो चीज यहाँ पे लिखी भी नहीं है। यहाँ पे अब देखिए आईआर के पर्सपेक्टिव से ये आपका जो पर्टिकुलर आर्टिकल है इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल रिलेशन से, कि देखिए दोस्तों इमरान खान जैसे ही सत्ता में आए हैं तो इन्होंने बोला है कि देखिए इंडिया से हम रिलेशन अच्छे करने की कोशिश करेंगे और ज्यादा से ज्यादा हमारी प्रयास यही रहेगी कि हम ट्रेड अच्छा करें। दोनों ही तरफ से गलतियां होती हैं, दोनों ही तरफ से काफी, मतलब कह सकते हो उनका ऐसा कहना है कि दोनों ही तरफ अपना काफी अपना अपना पर्सपेक्टिव है और दोनों ही कंट्रीज अपने अपने तरफ से गलती दोनों ही कंट्रीज की है। तो इन्होंने यहाँ पे बोला है कि हम देखिए बात वार्तालाप करना स्टार्ट करेंगे और हम ज्यादा से ज्यादा ट्रेड बढ़ाना चाहते हैं इंडिया के साथ। इसके बाद देखिए दोस्तों हमारी जो अगली न्यूज है वो है इंडिया डिनाइज एनी चेंजेस एट डोकलम। तो देखिए दोस्तों यूएस ऑफिशियल जो थे ऐसा यहाँ पे कहना था, यूएस में ऐसी बातें चल रही थी कि जो डोकलम एरिया है, देखिए डोकलम स्टैंड ऑफ तो आप सभी को पता होगा, मैंने कल भी आपको बताया है, बार बार मैं सेम चीज नहीं बताना चाहता हूं। तो देखिए जो आपका ये पर्टिकुलर इधर वाला एरिया है आपकी इंडिया के मैप का, अब मेरे को देखिए मैप ढंग से बन नहीं रहा, लेकिन जो ये वाला एरिया यहाँ पे जो पूरी कंट्रोवर्सी थी ये डोकलम वाली, तो अब ये मैंने बता रखा है तो इसलिए मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। तो जो डोकलम एरिया है दोस्तों यहाँ पे कहा जा रहा है कि वापस चाइना यहाँ पे आके अपनी रोड बनाने लग गया है, ऐसा यूएस में घटना चल रही थी। तो यहाँ पे इंडिया ने बोला है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने लास्टली अभी चेक किया है और जो जैसा था वैसा का वैसा सेम अभी भी उसी पोजिशन पे है और चाइना ने अभी तक कुछ भी ऐसी नई स्ट्रेटेजी और नई कोई पोजिशन नहीं एहतियात करी है, ठीक है। इसके बाद देखिए दोस्तों वेस्ट बंगाल रिमेन्स इटसेल्फ एज बंगला। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों आपका वेस्ट बंगाल ने यहाँ पे अपना नाम चेंज कर दिया है बंगाली इंग्लिश हिंदी में और अपने जो वेस्ट बंगाल का नाम हो चुका है वो हो गया बांग्ला। तो ये यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट न्यूज थी। इसके बाद देखिए दोस्तों मेगा साई फॉर थ्री इडियट्स म्यूज, टू इंडियंस आर अमॉन्ग सिक्स विनर्स। तो देखिए दोस्तों आप सभी ने थ्री इडियट्स तो मूवी देखी होगी, उसमें कैरेक्टर था वांगचुक करके, वांगनू करके कुछ था, फुनसुक वांगनू, तो वो सोनम वांगचुक एक इंसान है जिनकी कैरेक्टर के ऊपर बेस था, जिन इंसान इनके ऊपर वो कैरेक्टर बेस था, 51 ईयर ओल्ड है। तो दोस्तों इनको ये मिला है एजुकेशनल रिफॉर्मर के रूप में, लद्दाख में ये रहते हैं, वहां पे इनका स्कूल है। तो इंस्पिरेशन फॉर आमिर खान कैरेक्टर, ये सब था फुनसुक वांगड़ू, ये सब तो आप लोगों को पता ही है। तो इन्हें दोस्तों जो इस बार अवार्ड मिला है वो मिला 2018 का रेमन मैंगसे अवार्ड। तो ये इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए 2018 का रेमन मैंगसे अवार्ड किसको मिला है। इसके अलावा देखिए भारत वतनामी जी को मिला है, साइकेट्रिस्ट है जो की, और इसके अलावा एक और इंसान को मिला है, सिक्स विनर्स थे। तो चार नाम आप और देख सकते हैं न्यूज में, आज सिर्फ दो ही नाम थे तो मैंने आपको यहाँ पे इसलिए इनके नाम यहाँ पे बताए। इसके बाद देखिए दोस्तों सुप्रीम कोर्ट पुल्स अप यूपी फॉर ताज डॉक्यूमेंट। देखिए दोस्तों उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने एक अपने हिसाब से ही बना लिया था ताजमहल के सफाई का, आप कह सकते हो डाटा तैयार कर लिया था, ड्राफ्ट तैयार कर लिया था कि हाँ हम SSS को सफाई करेंगे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से बिना पूछे। तो इस पे लगा दिए सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें फटकार कि आप अपने मर्जी से कैसे काम कर सकते हो, आपको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को यहाँ पे मिलाना ही है। टास्ट रिप्रेजियम जो ना सभी को पता होगा क्या होगा कि देखिए जो आगरा है, जो आपका ताजमहल है, उसके आसपास का जो पूरा 10,400 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, उस पूरे एरिया को आपको टास्ट रिप्रेजियम जोन कहते हैं। इसके अंदर आगरा आ जाता है, फिरोजाबाद आ जाता है, मथुरा आ जाता है, हाथरस आ जाता है, ईटा आ जाता है, ठीक है, एटा जिसको ईटा बोल रहा हूं मैं, इसको एटा प्रोनाउंसिएशन है, और फिर इधर भरतपुर राजस्थान आ जाता है। इसके बाद देखिए दोस्तों जो हमारी अगली न्यूज है वो इंडिया टू रेज H1B इशू विथ US। दोस्तों जो H1B वीजा है बेसिकली ये है कि जितने भी लोग शायद इंडिया हो चाहे कहीं के भी हो, यूएस में अगर जॉब ढूंढने जाते हैं तो उनको वहां पे H1B वीजा ही लेना होता है, इसके अंतर्गत ही जाते हैं फिर वहां पे जॉब मिलती है। तो अब यहां पे देखिए यूएस ने अपनी पॉलिसीज में काफी चेंज कर दिया है और जो H1B वीजा है मिलना काफी मुश्किल हो चुका है। तो यहां पे आया है कि जो इंडिया ने, जो हमारे सुषमा स्वराज जी हैं, उन्होंने इशू रेज किया है यूएस के सामने और कहा जा रहा है कि जो अभी 2+2 आपकी जो वार्तालाप होने वाली है, जो आपके सितंबर में जो मीटिंग तय, अभी यही कहा जा रहा है सितंबर में होगी, तो उसमें यहाँ पे मुद्दा उठाया जाएगा, 2+2 जो आपके डायलॉग होंगे उसमें यहाँ पे मुद्दा उठाया जाएगा। इसके बाद देखिए दोस्तों लोकसभा पासेज एंटी ट्रैफिकिंग बिल, हमने कल भी देखा था कि एंटी ट्रैफिकिंग बिल पास होने वाला है, तो ये यहाँ पे आपके लिए एक अच्छी खबर है कि लोकसभा ने पासेस कर दिया है एंटी ट्रैफिकिंग बिल। पर यहाँ पे देखिए फिर वही बात हो गई है जो मैंने आपको बताई थी अभी कुछ देर पहले, हम आर्टिकल में डिस्कस कर रहे थे कि इसके अंदर दोस्तों जो प्रोस्टिट्यूशन है ना वो भी लीगल हो जाएगा। तो अब फिर वही चीज है, जो प्रोस्टिट्यूशन में जो आपकी महिलाएं इन्वॉल्व हैं उनके लिए फिर और घटना खतरे का बढ़ चुका है। पर यहाँ पे ये भी कि साथ साथ रिहैबिलिटेशन फंड भी दिया जा रहा है जिसमें 10 करोड़ रुपए तक के आसपास गवर्नमेंट के पास रहेंगे, जिसमें वो उन लोगों को रिहैबिलिट कर सकते हैं जो इसमें फंस चुके हैं, जो मतलब अपनी मर्जी से इसमें इन्वॉल्व नहीं हुए थे। इसके बाद देखिए दोस्तों नागालैंड में ऑल्सो फॉलो इन NRC अपडेट। तो देखिए दोस्तों जो आपका NRC का जो नेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजन का जो पूरा मामला आसाम में हुआ है, जो पूरा का पूरा जिसमें आप कह सकते हो कि आसाम में इन्होंने छांट दिए हैं वो लोग कि NRC में कौन है, कौन लोग आसाम के नहीं है, कौन लोग इंडिया के नहीं है, तो ये चीज सेम नागालैंड भी फॉलो करने वाला है।
30 तारीख को देखिए दोस्तों फाइनल डिसीजन आने वाला है कि कितने लोग इसका नाम है कितने लोगों का नाम नहीं है। इसके बाद देखिए दोस्तों पॉलिसीज एंड कश्मीर पॉलिसीज ऑन कश्मीर में नॉट चेंज खान वोंट अपोज मिलिट्री, आर के सिंह ने यहाँ पे ऐसा बोला है। अब देखिए दोस्तों इन्होंने ये इसलिए बोला कि जो इमरान खान अभी नए यहाँ के प्रेसिडेंट बने हैं प्राइम मिनिस्टर बने हैं पाकिस्तान के, प्रेसिडेंट मैंने गलत यूज कर दिया, तो अब वे नए हेड हैं तो नई चीजें आने की संभावना है। लेकिन यहाँ पे देखिए जो आर के सिंह जी हैं इन्होंने बोला है कि देखिए इन दी एंड क्या है, जो इमरान खान बने ने बनाया किसने, आर्मी ने बनाया है। अब इन्होंने आर्मी ने इन्हें बना दिया है तो आर्मी का तो स्टैंड जो था वही था पहले भी पाकिस्तान से इंडिया के लिए, और इन दी एंड यहाँ पे आर्मी की ही चलती है, तो फिर कोई भी इसमें स्टैंड चेंज नहीं होने वाला, जो जैसा था वैसा का वैसा ही रहेगा और वैसी ही चीजें चलती रहेंगी, ऐसा आर के सिंह जी ने बोला है। इसके बाद देखिए दोस्तों यूएस ईयू एग्रीज टू ईज ट्रेड टेंशन। देखिए यूएस और यूरोपियन यूनियन में भी ट्रेड टाइज की दिक्कतें आ गई थी, टैरिफ की दिक्कतें आ गई थी। डोनाल्ड ट्रंप जी ने जब ट्रेड बढ़ाए थे, ट्रेड के लिए टैरिफ बढ़ाई थी, तो यू ने भी चेतावनी दे दी थी कि अगर आप ऐसा करोगे तो हम भी सेम चीज कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए दोनों लोग स्वीकृति आ चुकी है ईयू और डोनाल्ड ट्रंप की, दोनों यूएस की ईयू की, कि हाँ इस पर वार्तालाप करेंगे और जो भी दिक्कतें इसको सॉर्ट आउट करेंगे। इसके अलावा देखिए यूएस ने यहाँ पे एक अपील करी है, क्वेश्चन रेज किया कि चाइना उनकी टेक्नोलॉजी चुरा रहा है। तो ये सब यहाँ पे देख सकते हैं आप, जो पूरा मामला चल रहा है पूरे वर्ल्ड में। कुछ भी कहिए डोनाल्ड ट्रंप जी दोस्तों इस बार के पूरे वर्ल्ड के सबसे ज्यादा चर्चित इंसान बन चुके हैं, और हर तीसरे दिन में इन्हें कंट्रोवर्सी क्रिएट करनी होती है। तो ये इनका कह सकते हैं स्ट्रेटेजी भी हो सकती है फेमस होने की, भगवान जाने क्या चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, कुछ दिन में मतलब क्लियर होगा, और क्या पता क्लियर ना हो। हम सब सोचते हैं कि क्लियर होगा, पर हर पल में तो चेंज हो जाता है पूरा पर्सपेक्टिव। अब देखिए काटसा का मामला ले लीजिए, लग रहा था काटसा लगाएंगे इंडिया के ऊपर, वो मना कर दिया नहीं लगाएंगे, अब पता पड़े परसों कह देंगे कि नहीं हम लगाएंगे। तो कुछ अलग ही मिजाज के इंसान है, कुछ अलग ही इनकी थिंकिंग प्रोसेस है। इसके बाद देखिए दोस्तों न्यू अल्जमीर ड्रग शोज अर्ली प्रॉमिस। दोस्तों यहाँ पे अल्जाइमर ड्रग की बात हो रही है, अल्जाइमर ड्रग ने अर्ली प्रॉमिस, मतलब आप सोचिए अल्जाइमर जो बहुत बुरी बीमारी है, इसको हिंदी में बोलते हैं भूलने की बीमारी, तो इस पर अभी तक दोस्तों इतने सारे शोध हुए थे लेकिन कोई भी इतनी तगड़ी दवाई नहीं मिली जो दोनों तरीके से यहाँ पे काम कर रही है। दोनों तरफ से दोस्तों का मतलब है जो रिड्यूस द प्लेक्यूज भी करते एज वेल एज ब्रेन ऑफ द पेशेंट है, इसको भी यहाँ पे सही करने में हेल्प करे। तो अब ये जो आपकी पर्टिकुलरली एक खोज करी है इस पे यहाँ पे रिसर्च चल रही है, और इसमें देखिए काफी इसको आप कह सकते पॉजिटिवली ये रिजल्ट आया है इस पर्टिकुलर आपकी ड्रग का। अब देखते हैं इस पे अभी और पूरा का पूरा मामला चलेगा। अल्जाइमर एसोसिएशन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो शिकागो हुई थी वहां पे बात बोली गई है। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे बारिश काफी ज्यादा हो रही है दिल्ली में, कल रात से बारिश हो रही है, बंद नहीं हुई है, तो मेरे रूम में पानी आ रहा है तो इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, आवाज मेरी थोड़ी स्लो आ रही होगी यहाँ तक मुझे लग रहा है आप लोगों को, शायद मैं बारिश की भी आवाज आ रही होगी, पर जहां तक मुझे लग रहा है क्लियर होगी, आप लोगों को मेरी आवाज सुनाई दे रही होगी, थोड़ी सी बारिश की आवाज आए तो प्लीज इसको थोड़ा सा कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए दोस्तों आइंस्टीन वॉज राइट, एस्ट्रोनॉमर्स कन्फर्म्स की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों एक एस्ट्रोनॉमर ने ऐसा बोला है कि जो अल्बर्ट आइंस्टीन ने थ्योरी दी थी रिलेटिविटी की, वो फाइनली उन्हें लग रहा है कि बिल्कुल सही है। उन्होंने क्या देखा है, उन्होंने देखा कि सुपरमासिव ब्लैक होल को स्टार को जिपिंग करते हुए देखा है अपनी तरफ। तो ये यहाँ पे जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी आइंस्टीन के द्वारा दी गई थी उसे यहाँ पे सही ठहरा रहे हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों आ जाते हैं हमारे एमसीक्यू की तरफ, थोड़ा सा इसको दोस्तों डिटेल में देख लीजिएगा, इस वाली न्यूज को आप थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लीजिएगा, और ऐसा कुछ इसमें खास नहीं है, और बारिश काफी ज्यादा तेज हो रही है, मेरे रूम में पानी आ रहा है इस वजह से मैं इसको भी कंटिन्यू नहीं कर रहा था। अब यहाँ पे देखिए जो जाते हैं एमसीक्यू की तरफ, आज का जो हमारा एमसीक्यू है जो हमने कल आपसे पूछा था, मॉनिटरियल प्रोटोकॉल ऑन सब्सटेंस दैट डिप्लीट द ओजोन लेयर एम्स टू कंट्रोल द प्रोडक्शन ऑफ यूज ऑफ, आपके सामने यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन थे, बहुत लोगों ने इसमें अलग अलग आंसर दिए थे। आपका दोस्तों इसमें जो सही आंसर है वो है बी, सेकंड ओनली। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर है वो बी है, और वो ये दोस्तों जो मॉनिटरी प्रोटोकॉल दोस्तों जो आपका आया था, इसका जो मेन पर्पस था कि ये बाहरी करना, फेज आउट करना जो सेवरल ग्रुप्स ऑफ हैलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन से जो हमारे एनवायरनमेंट को नुकसानदायी हैं, उसको खत्म करना, शोन टू प्ले रोल इन ओजोन डिप्लीशन। जो देखिए ओजोन डिप्लीशन हो रहा है, हमारी ओजोन लेयर खराब कर रहा है, उसमें से जो जो चीजें जो खतरनाक आपके हाइड्रोकार्बन से, उसे खत्म करना। अब देखिए ओजोन डिप्लीशन दोस्तों क्या है, आप लोगों को पता ही होगा कि देखिए जो अर्थ के चारों तरफ की लेयर है वो डिप्लीट हो रही है, जिससे अल्ट्रा वायलेट रेज अंदर आ जाएंगी और काफी ज्यादा पोल्यूशन धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो यहाँ पे देखिए डिटेल में इसमें से कौन सा आप लोगों को प्रोवाइड किया गया था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 को में, नेशनल पार्क्स के बारे में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में, बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में। तो आपके वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में किस बारे में चर्चा हुई हुई है आपको यहाँ पे ये बताना है। आपके सामने चार ऑप्शन आपके सामने हैं, इसमें से आप आंसर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और आज का देखिए दोस्तों जो आपका आंसर राइटिंग का क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी प्यारा क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे दोस्तों ये क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ऑफ ह्यूमन मिसरीज और एंड ऑफ ह्यूमैनिटी इटसेल्फ। आपको यहाँ पे देखिए सिंपल मैंने क्वेश्चन रखा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो एक ह्यूमन मिसरीज का मतलब खत्मा करती है,
या फिर ह्यूमैनिटी को ही खत्म कर डालती है, हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं उसे खत्म करेगी या फिर हमारी ह्यूमैनिटी को ही खत्म कर डालेगी। बेसिकली क्वेश्चन दोस्तों आप कनेक्ट करोगे तो उसी हिसाब से है कि या तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी जो समस्याएं हैं उससे स्लो मतलब अच्छे से खत्म कर देंगी, रोबोट आ जाएगा तो आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, या फिर हमारा सारा जॉब छीन लेंगी, हमारा सारा काम छीन लेंगी, हम लोग बेघर हो जाएंगे, काम के हो जाएंगे, बिना पैसे के हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको इस पे आंसर देना है 250 वर्ड्स में। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही मन लगा के आंसर दिखिएगा और कमेंट सेक्शन में अटेम्प्ट किया करिए। देखिए ना मैं आपको कोई फांसी तो लगाता नहीं हूँ, आप लोग कमेंट करिए, आप लोग का आंसर में कुछ सुधार ही बताऊंगा, कहीं खराब तो बताऊंगा नहीं। तो होप आप लोग इस पे आंसर करें। इसके अलावा दोस्तों आप लोगों से एंड में फिर मैं वही बात बोलूंगा, वीडियो को लाइक जरूर करना। देखो यार बहुत टाइम लगा के बहुत मेहनत करके वीडियो बनती है, मैं ये कह रहा हूँ मेरी वीडियो को डिसलाइक भी कर दो कोई दिक्कत नहीं है मुझे, बस कमेंट सेक्शन में आप लोग बताना क्योंकि मैं तो आपसे कह रहा हूँ डिसलाइक करो, लेकिन दूसरी वीडियो जब आप देखा करो तो लाइक करा करो, अगर नहीं करनी है लाइक तो डिसलाइक मत किया करो, क्योंकि एक टीचर उस वीडियो को बनाने में 6 से 7 घंटे लेता है, उसके बाद ये वीडियो बनती है। आप लोगों के लिए मैं सुबह 4 बजे 3 बजे ऐसे उठ जाता हूँ, उसके बाद 9 बजे तक आपकी वीडियो आती है, बहुत टाइम लगता है हिंदू एनालिसिस बनाने में। तो आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं कि वीडियो को लाइक कर दें या फिर डिसलाइक करें, कमेंट कर दें कि हाँ सर ये कमी रह गई है, कमेंट जरूर करें कि हाँ कैसी लगी है, अपना जो भी आपका इस पे जो भी विचार हो वो जरूर रखें। इसके अलावा दोस्तों मैं कह रहा हूँ कि अगर आप लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको इसमें से 1% भी फायदा लग रहा है तो आप कम से कम एक इंसान को वीडियो शेयर करिए, जस्ट फॉर मी, जस्ट फॉर वाईफाई स्टडी। बस आपसे इतना हम कह रहे हैं कि एक ग्रुप पे शेयर कर दीजिए, एक फेसबुक पे शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसके अलावा आपसे कुछ भी हम नहीं मांग रहे हैं। तो होप दोस्तों आप लोगों के बात समझ में आ गई हो, और कल मोस्ट प्रोबेबली हम आंसर राइटिंग जो मैंने आपको कहा था कि मैं आप लोगों के लिए नोट्स का एक वीडियो लेके आऊंगा, था हिंदू पे नोट्स कैसे बनाते हैं, न्यूज़पेपर से नोट्स कैसे बनाते हैं, तो शाम को 7 बजे वो वीडियो आने के पूरे चांसेस हैं। अगर